दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी इन दिनों विवादों से घिरी हुई है और ये विवाद कोई मामूली विवाद नहीं, नैतिकता के विवाद है। पहले कानून मंत्री तोमर की फर्जी डिग्री और साथ ही में सोमनाथ भारती ने खुद के ही बीवी पर अत्याचार किए, ऐसे आरोप। अन्ना हजारे इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आइए खुद अन्ना से ही जानते हैं। अन्ना बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, उनकी आप पार्टी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन खुद के घर की गंदगी दूर किए बगैर दिल्ली की गंदगी साफ करने चले। मैंने अरविंद जी को पहले बताया था कि भाई पक्ष और पार्टी निकाल रहे आप, लेकिन पक्ष और पार्टी से देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। ये आज़ादी के 68 साल में हम अनुभव किए ना। मैंने पहले ही उनको बताया था कि ठीक है, आप पार्टी निकाल रहे हो। आज तक जितनी पक्ष और पार्टियां है उससे आप अलग कुछ कर दिया तो वो पार्टी का कुछ मतलब और निकलेगा। और उसने वो भी कहा था कि हम वही करना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, लोगों के हाथ में पावर देंगे, अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे, उस कानून का अमल करेंगे, ये सब बातें उन्होंने कहा था। तो एक आशा के किरण निर्माण हो गए कि हम जो अपेक्षा करते हैं, ऐसे अगर एक आधी पार्टी देश में नया काम करती है तो अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि जो आशा है वो निराशा में बदल गई, इतने महीने हो गए? तो आज वही हुआ ना, जो आशा मेरे साथ में, मैं जो आशा कर रहा था, मेरे जैसे लाखों लोग एक आशा से देख रहे थे कि अभी देश में बदलाव आ जाएगा, एक नई पार्टी उभर कर आ रही है, वो सेवा भावी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण का प्रयास करेगी और उसमें चारित्रशील लोग आएंगे, और जितने चारित्रशील लोग शामिल हो जाएंगे उतने पार्टी को वेटेज आ जाएगा। ऐसे लाखों लोग, चारित्रशील लोग आपने कहा, लेकिन अन्ना अरविंद केजरीवाल के पार्टी में अब चारित्रशील लोगों के बजाय खोटे सिक्के नजर आ रहे हैं और वो साबित भी हो रहे हैं। तो यही बात हुई ना, हम बड़ी आशा से देख रहे थे देश के लाखों लोग, लेकिन वो आशा का निराशा हो रहा है। मैं पहले ही अरविंद जी को ये पूछा था, ठीक है आप पार्टी निकाल रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है, ये चेक करने का तरीका क्या है आपके पास? ये पहले मैं पूछा कि ये चारित्रशील है, आचार विचारशील है, ये चेक करने का तरीका क्या है? आपके पार्टी में जो भी लोग आ जाएंगे और उसमें आप सत्ता में जाएंगे तो वो सब लोग सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और देश के बारे में सोचते हैं, ये ऐसे लोग हमारे में आ जाएंगे, ये खोज करने का तरीका क्या है? उसका जवाब उस टाइम पर भी नहीं दे पाया, आज भी नहीं दे पाए, क्योंकि नहीं दे सकता ना, पक्षार पार्टी में ऐसे लोग कहाँ है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लोगों की परख नहीं है, क्योंकि जो भी लोग उन पर सवाल उठाते हैं उन्हें वो दूर कर देते हैं, जैसे योगेंद्र यादव ही देखिए या प्रशांत भूषण देखिए, उन्होंने सोमनाथ भारती या तोमर जो कानून मंत्री थे उनके ऊपर सवाल उठाए थे, उन्हें दूर कर दिया गया। नहीं, दूर करना ये दोष नहीं मानता मैं, लेकिन पक्ष और पार्टी के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए गलत काम करते हैं तो दूर करना जरूरी है, लेकिन हमारे पक्ष को मजबूत करना, पक्ष पार्टियों को बढ़ाना, इसके लिए अगर कोई लोग
अपने पार्टी में लेते हैं लोगों को, तो ये बात बराबर नहीं। तो अरविंद क्या करे, आपको लगता है कि अरविंद जो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर बार बार वो कहते रहते हैं, खुद के घेरेबंद में झांकना ही भूल गए? नहीं, मैं जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जो प्रश्न पूछे थे कि चरित्रशील लोग पार्टी में आने का तरीका क्या होगा, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। और आज वही हुआ, जो पार्टी में लोग आगे, अभी जो बोलबाला चल रहा है दिल्ली में और देश में कि आप पार्टी में ये ऐसा है, वो वैसा है, वो तैसा है, ये जो बोलबाला चल रहा है, इसका कारण है कि पार्टी में आने वाले लोग सही तरीके से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके कारण चर्चा हो रही। अगर वो सही तरीके से सिलेक्शन होता तो गलत लोग अपने पार्टी में नहीं आने थे, एक गलती हो गया है वो। आपको भी परख नहीं पाए अन्ना, अरविंद केजरीवाल जो आपके साथ थे आपको भी दूर कर दिया, आपने उन्हें कई बार सलाह दी, आपने कहा कि आपके बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, आपकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी, तो आपको भी परख नहीं पाए, यानी उन्हें परखने की जो एक तरह की परख ही नहीं है उन्हें? नहीं नहीं, मेरे लिए मुझे दूर किया ऐसी बात नहीं है। आपसे दूर तो हो गए ना वो? मैं दूर हो गया, मैं उनको दूर किया कि मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि पक्ष और पार्टी से देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। वो पार्टी बनाने से पहले से मैं बोल रहा हूँ कि कोई पक्ष और पार्टी देश के लिए उज्जवल भविष्य नहीं दे पाएगी, ये पहले से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि पक्ष और पार्टियां आज क्या चित्र है, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, आज भी हम लोग देख रहे हैं सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ सत्ता। सत्ता के लिए ही अरविंद ने जो भी किया, प्रशांत भूषण को दूर किया या योगेंद्र यादव को दूर किया, ये सत्ता के लिए ही किया, उन्हें भी सत्ता की लालच है, सत्ता की भूख है, भले ही वो ईमानदार है। अगर सत्ता के बिना समाज और देश ये अगर सामने होता, 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने जो कुर्बानी की उसको याद रखते हुए उस देश को हमें बनाना है, ये अगर हमारे दिल में भावना अगर होती तो फिर ऐसे लोग अंदर नहीं आना था, गलत लोग अंदर नहीं आना था, बहुत निरख परख कर उनको ले सकते थे। आज भी देखो आप, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, और अखबार में टीवी पर हम मैं देखता हूँ डेली, इसने उसके ऊपर वार किया और उसने पलट वार किया और घायल कोई भी नहीं, नुकसान जनता का हो रहा है नुकसान पूरा देश का हो रहा है, जनता का हो रहा है, क्या सीखना आपसे? अरे देश को बनाने के लिए सब इकट्ठा आकर सोचो ना, देश को बनाना ना। हाँ, कोई पक्ष और पार्टी या कोई लीडर है उसमें थोड़ी कमियां रह सकती है, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि हम उसके ऊपर वार करना, उसमें पलट वार करना, ये रास्ता नहीं। हम बैठकर देश के बारे में, समाज के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये गलत है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज वो नहीं दिखाई दे रहा। आपको लगता है कि आप पार्टी अलग है बाकी अन्य पार्टियों से, या आप पार्टी भी वैसी ही हो गई है? हमें ऐसा लग रहा था कि आप पार्टी और पार्टियों से कहीं अलग दिखाई देगी, और आप पार्टी ही इस देश को उज्जवल भविष्य दे पाएगी, ऐसे एक आशा के किरण थे। अब लगता है कि दे नहीं पाएगी? अभी जब मैं देख रहा हूं कि कई मंत्रियों पर आरोप हो रहे हैं, और वो आरोप में कई फर्जी डिग्री या घर के बीवी और उनके झगड़े, तो ऐसे लोग हमारा आदर्श क्या निर्माण करेंगे?
समाज तो हमारे तरफ देख रहा कि ये समाज के प्रमुख बोल के आगे चलने वाले मंत्री है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं, इसके तरफ लोगों का ध्यान है। अबे घर में बीवी पति पत्नी का ही झगड़ा है तो क्या आदर्श लेंगे लोग, जनता ने क्या आदर्श लेना है, तो इन बातों के लिए सोचना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को क्या सलाह दोगे आप, ये पूरा जो मामला है, ये जो विवाद है, उसमें से उभरने के लिए कुछ बताओगे आप उन्हें? नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो मैंने पहले सलाह दिया था कि भाई पक्ष और पार्टी से देश के लिए भविष्य नहीं मिलेगा, हमारा जो आंदोलन है ये आंदोलन यही रास्ता है देश को बनाने के लिए।